वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग दिखाएंगे कि लाइट वेट की जो चप्पलें बनती है वो कैसे बनती है, उसकी जो बद्दी होती है उसी का सैंपल आपको बना के दिखाएंगे आज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लीजिए आप। अभी यहाँ पे एक बद्दी की सिलाई हो रही है और देखिए आप लोग कैसे सिलाई होती है। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोग पूरे इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को कि बद्दी कैसे बनती है, कैसे कटती है, इसकी कटिंग कैसे होती है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर नए कोई भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना आप सैंपल बनाना चालू करते हैं और देख लीजिए अभी नया सैंपल आया हुआ तो इसी को हम बनाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो दिखाते हैं कैसे बनती है बद्दी। अभी हम इसकी सिलाई कर रहे हैं, चार सिलाई इसमें, दो फैंसी सिलाई है बीच में, फैंसी सिलाई थोड़ा क्वालिटी से है तो बीच का सिलाई भी मार रहे हैं इसमें दो। चलिए लगा के दिखाते हैं, हमारा तैयार हो गया चार सिलाई। देखिए बीच का सिलाई है और इसमें एक सिंगल सिलाई हो गया, अब दूसरा सिलाई करना है इसमें। चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो हमारा ये चारों ऊपर का सिलाई हो चुका है, देखिए चार कलर में ये ऊपर और चारों सिलाई हमने कर लिया है। चलिए अब इसको कटिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो हम इसका भी काटने वाले हैं। देखिए भी कैसे कटता है, चप्पल का डिजाइन यहीं से बनता है इसका। तो इसको हम भी काट के आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा इसका भी कैसे कटता है। चलिए थोड़ा सा रह गया कटिंग करने को, अब इसको पूरा कटिंग करके फिर चलते हैं जिगजैग मशीन पे, इसकी जुड़ाई करेंगे और वहाँ दिखाते हैं आपको इसकी जुड़ाई कैसे होती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आ गए हम जिगजैग मशीन पे और देखिए यहाँ पर हमने कुछ पीस को जुड़ाई कर दिया है। जुड़ाई करने के बाद देखिए किस तरह का पीस लगता है। चलिए हमारा जुड़ाई हो गया, अब इसमें लगाना है चोटी, यानी बत्ती जो लगती है फीते की वो लगाएंगे। पहले इस माल को हम कटिंग करके रख लेते हैं, इसका लुप्पी काट के आपको दिखाएंगे कैसे इसकी लुप्पी कटिंग होती है हीटर से। इसमें इतना ज़्यादा मेहनत लगता है ना कि आप लोग पूछिए मत, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जब जाके ये चप्पल बनती है। तो चलिए आप लोग देखते रहिए वीडियो को। तो ये रहेगा हमारा लुप्पी, इसका हम कटिंग करेंगे हीटर से। ये देख लीजिए रोल है और यहाँ पे हमने इसका कटिंग करना चालू कर दिया है, ये हीटर से कटता है। तो आप लोग देख लीजिए, चलिए आगे का काम दिखाते हैं आप लोगों को। इसका लुपी सिलाई करते हैं और यहाँ पे हमने इसका सारा लुपी चला दिया है जो अब इसको कटिंग करेंगे और उसके बाद इसका टिक्कल चलाएंगे ऊपर से, जो डिजाइनिंग पत्ती लगती है उसको लगाएंगे कटिंग करने के बाद। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया सबका, अलग अलग करके रख लिया। अब इसमें हम पत्ती लगाएंगे, ये इसका फैंसी जो इसका डिजाइन बनेगा इसी से बनेगा और इसका स्टिकर था। तो ये देखिए हमने इसको सिलाई मारने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, ये पीस आपको दिखा देते हैं लगा के कैसे लगता है। अब इसका कटिंग कर देंगे साइड से, चारों साइड से कैसे कटिंग करके और फिर इसमें स्टिकर लगाएंगे। जिस कंपनी का ये माल होगा उसी कंपनी का इसमें स्टिकर लगेगा, तो उसका स्टिकर देख लीजिए
इसका स्टिकर लगा देते हैं यहाँ पे हम। और चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं बाकी वीडियो। तो ये हमारा चप्पल रेडी हो चुका है, जो चप्पल का बद्दी होती है वो रेडी हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे वाले वीडियो में कभी दिखाएंगे आपको कि इसका सोल कहाँ लगता है और कैसे लगता है। तो बस आज का वीडियो में बस इतना ही, आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, जब तक के लिए बाय।